अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी जैगल प्रीपेड के नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें कि नंबर्स अगर देखेंगे तो थोड़े कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं जैगल के। पहली तिमाही के अगर नतीजे देखें, नतीजों पर और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के को प्रमोटर एमडी और सीईओ अविनाश गोदखिंडी हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को आज समय देने के लिए। पहली तिमाही में हम देख रहे हैं नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिला, क्या वजह थी इसके पीछे और अब आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप, कैसे रह सकते हैं नंबर्स? जो हमारा अनुमान था, हमारी प्रेडिक्शंस थी, एस्टिमेट्स थे, उसके लाइन में ही है नतीजे। और अगर आप देखेंगे तो नतीजों में तकरीबन 34% की ग्रोथ है इन रेवेन्यू। हमारा जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें भी ग्रोथ है हमारा 27% का। और हमारा जो पैट है वो भी, अगर आप ईसॉप कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो एक निकाल देते हैं तकरीबन 6 करोड़ का, तो उसमें भी हमारा 25% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। हमारे बिजनेस में जो सीजनैलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि पहले दो क्वार्टर में जो रेवेन्यू होता है वो तकरीबन 35% से 40% होता है, और आखिरी का जो सत्र है, आखिरी हाफ है, उसमें हमारी रेवेन्यू 60 से 65% होती है। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कंपैरेटर है वो सही कंपैरेटर है ईयर ऑन ईयर, नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो रेवेन्यू, एबिटा और पैट तीनों में भी हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। ईसॉप का जो कॉस्ट है वो आप अगर निकाल दे तो। अविनाश जी, आपसे मेरा अब एक सवाल होगा, फिनटेक इंडस्ट्री में हालांकि आपकी पोजीशन बिल्कुल अलग है लेकिन थर्ड पार्टी पर आपकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, क्या आगे चलकर इस डिपेंडेंसी को कम करने की कोई तैयारी है क्या? देखिए, थर्ड पार्टी की अगर आप डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बड़े बड़े बैंकों पर है, और हम लगातार डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बड़ी बैंक के साथ हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी हाल फिलहाल में हमने साइन अप किया है उनके क्रेडिट कार्ड डिवीजन के साथ, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बहुत सारी डीबीएस बैंक है, और बहुत सारी बड़ी बैंकों के साथ हम पार्टनरशिप्स कर चुके हैं। और हमारा प्लान ये है कि हम दूसरे बैंकों के साथ, बड़ी बैंकों के साथ प्रोग्राम्स करें, जिससे कि हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है और हर एक बैंक का जो स्ट्रेटेजिक फोकस होता है, उनका जो मकसद होता है वो अलग होता है, तो हम अपने प्लान्स को उनके प्लान्स के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कस्टमर बेस को आगे और बढ़ाने की क्या योजना है आपकी, किस तरीके से अपना पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, उस पर कुछ प्लान्स आप अगर शेयर कर पाए तो? तो हाल फिलहाल में हमने जॉयर लॉन्च किया है, हमारा अकाउंट्स पेबल प्लेटफॉर्म है, और हमने हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो है, को-ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यस बैंक के साथ लॉन्च किया है, और नए नए प्रोडक्ट्स और भी हम लॉन्च करने वाले हैं। हम कस्टमर्स तो हर साल तकरीबन 600-700 कस्टमर्स ऐड करते आए ही हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल Q1 में हमारा जो नंबर ऑफ कस्टमर्स था वो तकरीबन 1900 थे और वो बढ़ के अभी 2600 हुए हैं, तो तकरीबन 700 कस्टमर्स का इजाफा है। कस्टमर्स तो ऐड हो रहे हैं और बड़े बड़े कस्टमर्स, अच्छे कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनमें भी पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। हमारी स्टिकीनेस हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है। हम चाहते हैं कि जिन कस्टमर्स के साथ हम इतने सालों से जुड़े हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, हीरा नंदानी है, इन सारे कस्टमर्स के साथ हम सालों से जुड़े हैं, इनके साथ हम और बिजनेस करें, और जो हमने नए प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च किए हैं वो हम उनको भी ऑफर करें, और उम्मीद करते हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।